तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोहित राज क्रिएशंस पर। दोस्तों, फ़ोटोशॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोटोशॉप में इतने सारे काम होते हैं कि आपको सारी चीज़ें आना चाहिए। थोड़ी छोटी चीज़ों के लिए आप भटकते रहते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको सोचना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप तक पहुँचाते रहते हैं। छोटी छोटी वीडियो बना के आपको बताते रहते हैं कि कहीं पर भी आपको मिस्टेक ना हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो लिप है, लिप का कलर चेंज करने वाले हैं। बाई चांस अगर आपको लिप का कलर चेंज करना पड़ जाए या किसी कपड़े का कलर चेंज करना पड़ जाए, तो सेम इसी तरीके से आप इसको चेंज कर पाएंगे जैसे मैं लिप का कलर चेंज करने जा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेन टूल को सिलेक्ट कर लेना है। पेन टूल का मतलब क्या होता है कि हम बहुत ही बारीकी से पेन टूल पर काम कर पाते हैं, ठीक है। तो पेन टूल हम सिलेक्ट करेंगे, इसका शॉर्टकट की है पी। कीबोर्ड में पी प्रेस करेंगे तो यहाँ से पेन टूल एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से आपको पाथ पे रहने देना है और यहाँ से ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, सिलेक्शन तैयार करना है। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्शन बना ले रहे हैं। पहले ये देखिए, बहुत ही बारीकी से आप सिलेक्शन बनाएंगे उतना ही आपका परफेक्ट फ़ोटो यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसमें आप किसी भी कपड़े का भी कलर आप इसी तरह से चेंज करेंगे जैसे मैं ये लिप का कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये ध्यान रहे कि आपका जो सिलेक्शन है एकदम बढ़िया से होना चाहिए, ताकि जितना भी बढ़िया प्रॉपर आप सिलेक्शन बना पाएंगे उतना ही अच्छा यहाँ पर आपका कलर चेंज हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें ध्यान ये देना है कि जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वहीं पे आपको एंड भी करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहीं पर ला के एंड कर दिया है। कुछ नहीं करना है आपको, राइट क्लिक करना है, मेक सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, मेक सिलेक्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी फ़ोटो बहुत ही HD क्वालिटी में है तो आप यहाँ पे 2 पिक्सल टाइप कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोटो बहुत ही डिम क्वालिटी का है तो आप वहाँ पे 1 पिक्सल रहने दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 पिक्सल टाइप कर दिया है और यहाँ से ओके कर दिया। ये क्या होता है, फीदर होता है, जैसे कि आप बिना फीदर के लगाएंगे इसको कलर चेंज करेंगे तो वो एक तरह से दिखाई देगा कि हाँ इसका कलर चेंज कर दिया गया है। अगर आप फीदर लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा मालूम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ओके कर देंगे और एक सिलेक्शन यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में Ctrl+U प्रेस करेंगे, Ctrl+U। ये देखिए, ये बॉक्स ओपन हो गया है। अब इसको मैं साइड में रख लेता हूँ और यहाँ से कलराइज पे क्लिक कर दे रहा हूँ। कलराइज पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लिप का कलर था वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ कुछ डायमीटर है जो हम घुमाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे आप चेंजेस देख पाएंगे। ये देखिए, देख रहे हैं चेंजेस कैसे हो रहा है। इस तरह से यहाँ से आप सैचुरेशन इसका सही कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, डिम कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, गाढ़ा कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ये देखिए हल्की रेड थी, अब आप इसको बहुत ही ज़्यादा रेड कर सकते हैं, डार्क रेड कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए पिंक कलर हो गया। यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा पिंक कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। और यहाँ से आप ओके कर दीजिए तो आपका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब मैं दोनों दिखाऊंगा आपको, जो चेंज हुआ है वो और जो पहले था वो, दोनों को मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। Ctrl+0 करूँगा और Ctrl+D कर दूँगा तो डी सिलेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है, डी सिलेक्ट हो गया है। अब Ctrl+-माइनस करूँगा, ये फ़ोटो इतनी रहने देता हूँ। और जो दूसरी वाली फ़ोटो थी हमने गूगल से लिया था, तो ये है हमारी ओरिजिनल और ये है हमारी लिप चेंज किया गया है। ये देखिए, दोनों में आपको कुछ तो अंतर दिख ही रहा होगा। इसी तरह से आप किसी भी लिप का कलर चेंज कर सकते हैं, किसी भी कपड़े का कलर चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से पेन टूल की सहायता से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।